आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, मस्त हमेशा की तरह। मच। यस तो बहुत बहुत बड़ी देन है ये आशीर्वाद है मेरे माता पिता का, भगवान का, लोगों की, और लोगों का आशीर्वाद है। मुझे ऑनेस्टली मैं फील करती हूँ ये ब्लेसिंग, और जो ये जिंदगी मैं जी रही हूँ वो, आई थिंक ये एक बहुत ब्लेस्ड लाइफ जी रही हूँ मैं लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके माध्यम से। मैं सभी लोगों को, मेरे ऑडियंसेस को थैंक यू कहना चाहती हूँ। शादी उन्हीं से, उसी से करिए आप जो, जिसके साथ आपकी दोस्ती हो, यू नो, और दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो निस्वार्थ हो। तो आई जस्ट फील लाइक आई मैरिड माई बेस्ट फ्रेंड, और वही रिलेशनशिप्स लंबे समय तक चलते हैं या टिक पाते हैं। देखिए मैं एक्चुअली बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, और मेरी परवरिश बहुत ही स्ट्रिक्ट रही है, और मेरे मम्मी डैडी जो जो थे उस जमाने में काम कर रहे थे, और उन उनके पास इतना वक्त था नहीं कि सोली सी देम ऑन सैटरडेज एंड संडेज। तो वो वक्त की जो लग्जरी है जो हमारे पास है, कईयों के पास से, बहुतों के पास नहीं होती, क्योंकि वो लोग भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम करती हूँ। तो आई जस्ट फील कि इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। जो थोड़ा बहुत वक्त हमारे पास होता है बच्चों के साथ हम जो बिताते हैं, ट्राई टू मेक देम इंटू गुड ह्यूमन बींग्स। स्वागत है आप सबका हमारे शो ग्रह लक्ष्मी के फंडे में। आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, और उन्होंने इतना कुछ किया है वो आप सब जानते हैं। मेरे साथ हैं शिल्पा शेट्टी। जी हाँ, बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्टर, खूबसूरत एक्ट्रेस जो है शिल्पा शेट्टी हमारे साथ है। स्वागत है शिल्पा जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। शिल्पा जी, सबसे पहले आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और थैंक सबसे पहले जानना चाहेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट से ही शुरू करते हैं। जी यू। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वैसे मैंने कुछ साइन ऑन किया नहीं है, बट अभी हाल ही में एक फिल्म मैंने साइन की थी पहले, तो उसकी शूटिंग जारी है, एंड उस फिल्म का नाम है केडी। केडी, तो कुछ दिन बचे हैं बस उसके उसके अलावा कुछ और कर नहीं रही हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहती हूँ, नहीं तो बहुत जल्द वो मुझे आंटी आंटी कह के पुकारेंगे। बोलेगी मम्मी नहीं, ये तो आंटी है। नहीं, मैं बहुत वक्त ऐसे देती हूँ क्वालिटी टाइम पे ज्यादा ध्यान देते हुए, बट आई फील पिछले 2 साल मैंने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया, 2 फिल्में की, एक टीवी शो कर लिया, तो थोड़ा सा आई थिंक सेल्फ प्रेजर्वेशन के नाते आई फील आई नीड टू टेक अ ब्रेक, ताकि मैं रिबूट हो सकूं और फिर वापस आई थिंक विद मोर गस्टो आई वांट टू वर्क इन द नेक्स्ट 3-4 months। शिल्पा जी की नजर में जिंदगी जी, मेरी मेरी नजर में जिंदगी बहुत खूबसूरत है, भगवान की देन है, जान है तो जहान है कहते हैं। तो मैं समझती हूँ मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि स्वास्थ्य है, बच्चे हैं जो हेल्दी हैं, परिवार है जो हेल्दी है। तो बहुत बहुत बड़ी देन है ये आशीर्वाद है मेरे माता पिता का, भगवान का, लोगों की, और लोगों का आशीर्वाद है। मुझे ऑनेस्टली मैं फील करती हूँ ये ब्लेसिंग, और जो ये जिंदगी मैं जी रही हूँ वो, आई थिंक ये एक बहुत ब्लेस्ड लाइफ जी रही हूँ मैं लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से।
एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके माध्यम से। मैं सभी लोगों को मेरे ऑडियंसेस को थैंक यू कहना चाहती हूँ, इतना सारा जो उन्होंने मुझे इतने सालों से प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार कभी कम नहीं होगा। बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस। अभी मैं कौन हूँ एडवाइस देने के लिए, बाप रे। बिल्कुल, लोग आपको मानते हैं शिल्पा जी, ये तो सोचिए। तो आप एडवाइस देंगे तो लोगों को समझ में आएगा, लोग फॉलो करते हैं। रिलेशनशिप एडवाइस पता नहीं, मैं ये समझती हूँ कि मेरे अनुभव से कि शादी उसी से करिए आप जो जिसके साथ आपकी दोस्ती हो, यू नो, और दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो निस्वार्थ हो। तो आई जस्ट फील लाइक आई मैरिड माई बेस्ट फ्रेंड, और वही रिलेशनशिप्स लंबे समय तक चलते हैं या टिक पाते हैं। और रिलेशनशिप हो कोई भी हो, माँ बाप बच्चे के बीच में हो, बहन भाई के बीच में हो, शादी के अलावा मैं बात कर रही हूँ, कोई भी रिलेशनशिप हो, यही एडवाइस दूंगी मैं कि वो सच्चाई के साथ निभाए। यू हैव टू बी ट्रू टू दैट रिलेशनशिप एंड यू हैव टू डील विथ इट विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी। एज अ मदर आप जो है वो लोगों को क्या मैसेज देंगे, जैसे एज अ मदर, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा रिलेशनशिप के लिए बोला, तो एज अ मदर भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या लोगों को क्या कहना चाहेंगी, कि एज अ मदर किस तरह से लोग जो है चीज़ों को हैंडल करें, क्योंकि मदर जब हो जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा मतलब वही होता है ना कि पोस्टमार्टम और ये सारी चीज़ें होंगी, तो क्या कहेंगी उस पर। देखिए मैं एक्चुअली बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, और मेरी परवरिश बहुत ही स्ट्रिक्ट रही है, और मेरे मम्मी डैडी जो थे उस जमाने में काम कर रहे थे, और उनके पास इतना वक्त था नहीं कि सोली सी देम ऑन सैटरडेज एंड संडेज, तो वो वक्त कि जो लग्जरी है जो हमारे पास है, कईयों के पास, बहुतों के पास नहीं होती, क्योंकि वो लोग भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम करती हूँ। तो आई जस्ट फील कि इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए, जो थोड़ा बहुत वक्त हमारे पास होता है बच्चों के साथ हम जो बिताते हैं, ट्राई टू मेक देम इनटू गुड ह्यूमन बींग्स, नॉट मेक देम इनटू डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स and professionals. So, ये मेरी advice है, और उनको encourage कीजिए जिस क्षेत्र में वो interest रखते हैं, ना कि जिस चीज में आपकी रुचि हो। तो मेरा बेटा gymnastics करते हुए बहुत excited होता है, तो इसीलिए हमने gymnastics में उसको encourage किया है। हाँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है, but आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बच्चे का एक अलग स्किल सेट होता है। तो बस यही एडवाइस है, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं मेरी जिंदगी खत्म हो गई है कि मैं आज बैठ के आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ, मैं भी खुद सीख रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से। और सीखने की कभी उम्र खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल, और रोज मैं कुछ सीख रही हूँ, तो मैं अपने बच्चों से कितना कुछ सीख, मेरे बच्चे, आज के बच्चे जो होते हैं ना, आज के बच्चे जो हैं वो बहुत ही आई डोंट नो, बहुत ही एलिवेटेड सोल्स हैं। आजकल के बच्चे सच में, हम एक्चुअल में बच्चे जब थे तो बच्चे ही थे, बच्चे, आजकल के बच्चे बाप रे बाप, इट्स लाइक दैट। मेरा बच्चा जो है मेरा बेटा तो अभी 12 साल का होने वाला है, मेरी बेटी 4 साल की है, लेकिन कभी कभी वो ऐसे ऐसे बात करते हैं कि मुझे ऐसे लगता है, हे भगवान, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था।
तो मैं उनसे भी सीखती हूँ, सो इट्स अमेजिंग. तो अच्छा है, सीखना अच्छा है. और सीमित ना हो बच्चों के साथ, कि क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें आई थिंक बॉक्स कर लिया था कि हमको ये करना है और हमको 70% ही मतलब सिक्योर करना है मैथमेटिक्स में, तभी हम यू नो नॉर्मल दिखेंगे सोसाइटी में, अदरवाइज यू आर बिलो एवरेज, है ना. आई फील वी शुड टीच चिल्ड्रन, क्योंकि शायद मेरा बेटा मैथ्स में अव्वल ना आए, बट ही इज ग्रेट विद एडिटिंग और ही इज ग्रेट इन अनदर एरिया, ही इज ग्रेट विद आर्ट. तो आप अपने बच्चों को बस एनकरेज करें एंड जो उनको अच्छा लगता है, डोंट मेक देम फील एनी स्मॉलर बिकॉज दे आर नॉट गुड एट समथिंग एल्स. अब एक सवाल जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है गृहलक्ष्मी के लिए, वो ये कि कैसी गृहलक्ष्मी है. मैं आपको 3-4 चीजें बता देती हूँ. एक तो जैसे दबंग हो गया, चुलबुली हो गया, और बाकी तो आपने एक परफेक्शनिस्ट हो गया, और संपूर्ण गृहलक्ष्मी, कंप्लीट गृहलक्ष्मी. तो आपने पहले भी बताया था कि आप कंप्लीट गृहलक्ष्मी है, इसके अलावा आप कौन सी गृहलक्ष्मी खुद को? मैंने नहीं बताया था, ये आपने मुझे बोला कि मैं संपूर्ण गृहलक्ष्मी. मैं लक्ष्मी का रूप भी धारण कर सकती हूँ और मैं काली का रूप भी धारण कर सकती हूँ और मैं सरस्वती भी बन जाती हूँ कभी कभी अपने बच्चों के साथ. बच्चों के लिए सरस्वती और पति के लिए दुर्गा. दुर्गा काली. ये सही है. तो अभी वन वर्ड ब्रांड्स के लक्ष्मी, ब्रांड्स के लिए लक्ष्मी. तो अगर वन वर्ड में आपसे पूछें तो क्या, कौन सी ग्रह लक्ष्मी है? आई थिंक मैं बेबाक. हाँ. बहुत बढ़िया. हाँ, मैं आई थिंक अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करूंगी कि मैं डरती नहीं हूँ. तो मैं थोड़ी सी तेज तर्रार, संपूर्ण के साथ साथ मैं चुलबुली तो मैं हुई. वो तो हो, तो आई थिंक चुलबुली जस्टिस नहीं करता, जिस वर्ड की मैं तलाश में, वो मुझे आ नहीं रहा है, लेकिन आप शायद बेटर डिस्क्राइब कर सकती हैं मुझे. आप ये हो सकता है कि आई थिंक तेज तर्रार. मैं ब्रेव हूँ. ब्रेव, ब्रेव को क्या कहते हैं? निडर. निडर, निडर, वेरी नाइस. दुनिया डरती है उन औरतों से जो दुनिया से नहीं डरती. मैं उस टाइप की गृह लक्ष्मी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत ही जबरदस्त आपने ये जवाब दिया है. वाह. अपनी मॉम और अपनी सास, इन दोनों लोगों को आप कौन सी गृह लक्ष्मी का दर्जा देंगे? माँ तो माँ होती है. मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे दो माँ कहने को, आई थिंक दो लोगों को ऐसे, मतलब दो ऐसे स्ट्रॉन्ग लेडीज को मैं माँ कह सकती हूँ, ये सौभाग्य मिला है मुझे. और दोनों मुझसे इतना प्यार करती हैं और दोनों बहुत गर्व महसूस करती हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ. एंड मेरी मदर इन लॉ भी बिल्कुल मुझे, I don't know, she doesn't treat me like a daughter-in-law. वो बल्कि ज्यादा प्यार करती है मुझे अपनी बेटियों से भी. हाँ. और मेरी माँ तो है ही बहुत strong. मैं जो भी हूँ आज, वो मेरी माँ की बदौलत है. एंड हाँ, मैं बहुत blessed feel करती हूँ. जी, जानना चाहेंगे कि, क्योंकि हर कोई अब ये जानना चाहता है कि आप दिन भर में क्या खाती हैं, फटाफट से बस वो बता दीजिए एक बार. छोटा सा लोग जानना चाहते हैं कि भैया शिल्पा क्या खाती हैं, इस फिजिक के लिए इतनी मेहनत करती हैं वो. मेरे पति तो ये कहते हैं कि मैं उनका सर खाती हूँ. ठीक है. उसके अलावा पौष्टिक आहार, बहुत ही बैलेंस्ड मील प्लान है मेरा. वेरी बेसिक, हाई प्रोटीन, लॉट ऑफ फाइबर, कार्ब्स खाती हूँ मैं. तो
आई जस्ट फील कि मैं बहुत सिंपल रखती हूँ. मैं मेरी दिन की शुरुआत, मेरे दिनचर्या में बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं. और गर्म पानी, 2 लीटर पानी मैं पीती ही पीती हूँ पूरे दिन में. अंडे, सब्जियाँ, हरी सब्जी, आई लव भिंडी. मैं एक्चुअली हफ्ते में 5 बार भिंडी खा लेती हूँ. और मुझे तोरी बहुत पसंद है. मुझे हाँ ड्रमस्टिक बहुत पसंद है. आई प्रिफर फिश. तो हाँ, एंग्लोरियन हूँ तो उस हिसाब से चावल बहुत सारा खाती हूँ मैं. एटलीस्ट 150-160 grams ऑफ चावल था सुबह. मेरा सबसे एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगी, इसमें 7:30 बजे के बाद खाती नहीं. तो मेरा डिनर जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है. मॉर्निंग में आपकी टाइमिंग क्या रहती है और मॉर्निंग कोई ड्रिंक लेती हैं? 7:00 बजे उठती हूँ और सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ पानी के साथ. एटलीस्ट आई थिंक अराउंड 500 ml ऑफ वाटर, 2 ग्लास पानी तो मैं पी ही लेती हूँ. और फिर उसके बाद पूरे दिन में पानी पीती रहती हूँ. वुमेन के लिए स्ट्रेंथ के लिए बस बता दीजिए कि क्या करें वुमेन अपने स्ट्रेंथ को. आई थिंक लड़कियों के पैदा ही होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और वो स्ट्रेंथ है ही हमारे अंदर, बस कुछ पहचान नहीं पाते, शायद उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं. कुछ उस शक्ति को दबाए रखते हैं. कईयों को दबाया जाता है. तो मेरा बस यही मानना है और यही कहना है कि उस शक्ति को मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फेमिनिस्ट बन के आप कुछ कांड कर दो. मैं ये बोल रही हूँ कि उस शक्ति को अंडरमाइन मत करो अपनी बात. अगर आपको ऐसे लगता है कि आप ना खुश है इसी चीज़ से, तो उस बात को आगे रखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप अंदर से ना खुश रहेंगी तो वो वे डाउन करेगा आपको. और अगर आप खुश नहीं है तो आप दूसरों को खुशी नहीं दे सकती. तो जो लेडीज होती हैं वो एक्चुअली कर्ता धर्ता होती हैं. घर को संभालने वाली वो गृह लक्ष्मी होती है. तो जितने भी आपके रीडर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप खुश रहना चाहती है, अगर आप अपने परिवार को खुश देखना चाहती है, तो अंदर से आपको उस शक्ति को दबाए ना रखे. और आप यू मस्ट रिकग्नाइज दैट स्ट्रेंथ दैट यू हैव विद इन यू. एंड आई बिलीव दैट स्ट्रॉन्ग वुमेन मेक स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रॉन्गर. तो अपनी फ्रेटर्निटी जो है ना, अपनी जो गर्ल, अपनी जो लेडीज की ट्राइब है, वो सारे एकजुट होके we must encourage other women to become achievers in our life. Na ke hum ye soche ke hum hi bas aage badhte rahe. So we must encourage each other to become stronger, to make a more healthier, happier society. Very nice. Aapka bahut iska tatpariya aap hindi mein karenge. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है वो आपने बताई. हमारे जो व्यूवर्स हैं गृहलक्ष्मी के, उन्हें जरूर कुछ सीखने को मिला होगा. थैंक यू सो मच शिल्पा जी. थैंक यू सो मच. सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार. एंड हैप्पी वुमेन्स डे. थैंक यू. हैप्पी वुमेन्स डे आपको भी. और वुमेन्स डे सिर्फ 8 मार्च को ना सेलिब्रेट करिए. हमेशा रोज अपने आप को सेलिब्रेट करिए. रोज. वाओ. ठीक है. बाय बाय. थैंक यू. तो ये था शिल्पा शेट्टी का फंडा, जिसे सुनने के बाद गृहलक्ष्मियों ने ये सीखा होगा कि आखिर कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करें, कैसे काम और फैमिली के बीच जो है वो बैलेंस करें, और साथ ही साथ महिलाएं खुद को कैसे स्ट्रांग बनाएं. फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही. मिलेंगे अगली बार एक नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए बाय.